वेलकम टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे व्हाट इज प्राइमर और प्राइमर का क्या काम होता है, प्राइमर का क्या मतलब है और क्यों यूज़ होता है, और आखिर क्या है ये प्राइमर, ये बला नाम की चीज़ है क्या। कुछ सालों पीछे चले जाएँ तो प्राइमर का कभी किसी को पता ही नहीं था भाई प्राइमर होता क्या है। ये एकदम से प्राइमर निकला है और हर बंदा कहते नहीं भाई प्राइमर तो यूज़ करना ही करना है। प्राइम से पहले ही पता चल रहा है भाई कुछ प्रेप एंड प्राइम कुछ पहले का काम है, ठीक है। प्राइमर नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पहले का काम है और प्राइमर यूज़ भी बिफोर फाउंडेशन होता है, ठीक है। प्राइमर का मकसद क्या होता है, पहले क्या होता था कि हम जब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, बल्कि अभी हम जब फाउंडेशन अप्लाई बिफोर प्राइमर यूज़ करते हैं तो हमारी फाउंडेशन जो है वो एक तो क्रैक कर जाती है, दूसरा ये कि बहुत जल्दी ही जो है वो ख़त्म हो जाती है या मतलब हमारी बह जाती है हमारी फाउंडेशन, और तीसरा ये होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं ना, हमारे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, वो नज़र आते हैं, ठीक है। प्राइमर का बस काम यही है कि उसने जो है वो फाउंडेशन से पहले उसको लगाया जाता है, आफ्टर वन आवर यूज़ कर लें या हाफ एन आवर आप यूज़ कर लें प्राइमर को, और उसके बाद करना आधे या एक घंटे के बाद जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो प्राइमर का काम ही ये है कि उसने सबसे पहले तो फाउंडेशन को जो है ना वो स्टिक करना है स्किन के साथ, ताकि वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, ज़्यादा देर तक रहे, फाउंडेशन जल्दी बहे ना, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। दूसरा उसका काम ये है कि उसके पोर्स जो हमारे नज़र आ रहे होते हैं ना, उसको उसने फिल करना होता है ताकि हमारी फाउंडेशन बहुत स्मूथ और बहुत ग्लाइंड लगे, ठीक है। ये काम होता है भी प्राइमर का। प्राइमर इज़ लाइक, ये प्राइमर बहुत सारी नस्लों में आते हैं। आजकल तो प्राइमर्स का इतना ट्रेंड आ गया है कि हर चीज़ में प्राइमर है। ग्लो, जो हमारी ग्लो लिक्विड हाइलाइटर्स होते हैं उनके अंदर प्राइमर है, ताकि वो फाउंडेशन से पहले ग्लो दे सकें। उसके अलावा ऑयल्स में आ गए हैं, ऑयली प्राइमर आ गया है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आ गया है, जेल बेस्ड प्राइमर्स हैं, उसके अलावा वाटर बेस्ड प्राइमर्स आ गए हैं। प्राइमर्स तो इतनी नस्लों में आ गए हैं, मगर मेरे पास जो आज प्राइमर है वो है ब्यूटीफाई बाय आमना का, आप देख सकते हैं प्राइमर है। दिस इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड वेरी नाइस ब्रांड, आई लव दिस बिकॉज इसका बहुत अच्छा प्राइमर। ये मेरे पास एक मिनी प्राइमर है उनका, ठीक है, छोटा प्राइमर है इसका, ठीक है। इनका बड़ा प्राइमर मिलता है वो 1700 का, ये मैंने उनकी डील मंगाई, दिस इज़ फॉर 1700। इसके अंदर तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये है, एक उनका ब्यूटी ब्लेंडर और एक उनके ड्रॉप्स हैं जो 24 कैरेट गोल्ड ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम ये करती है कि ये पोर मिनिमाइज़र है, पोर फिलर है, ऑयल को कंट्रोल करती है, और तीसरा ये कि कोई ग्रीसी फील नहीं आती है और फाउंडेशन को काफ़ी देर तक स्टिक करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या होता है, क्या है कि हमारी जो हमारी काफ़ी लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ठीक है, और जब हम फाउंडेशन लगा भी देते हैं फिर भी फाउंडेशन के अंदर से हमारे नोज़ के ऊपर और हमारे चिन एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है, और अगर हम प्राइमर यूज़ कर लें तो हमारा ऑयल काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्राइमर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्राइमर को लगाना बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है, उससे 4 से 5 फ़ायदे हो जाते हैं हमारे। एक तो हमारा ऑयल जो है वो कंट्रोल हो करता है प्राइमर, दूसरा ये कि वो कोई ग्रीसी जो हमारी स्टिकी सी वो फील आ रही होती वो नहीं आती, तीसरा ये कि हमारी फाउंडेशन काफ़ी देर तक ग्लाइंड करती है, काफ़ी देर तक स्टे रहती है, चौथा ये कि हमारे जो पोर्स ओपन होते हैं ना उसको जो है ना वो फिलअप करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत अच्छा प्राइमर है। इसका आप मिनी पैक ज़रूर लीजिए, ट्राई कीजिए, आपको अगर बहुत डिफरेंस लगे तो फिर आप ये सिलिकॉन वाइट कलर का है इसका, और इसका और जो होता है ना ये प्राइमर, इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता, सिर्फ इसका एक ड्रॉप आपने यूज़ करना होता है और उसको पूरे फेस के ऊपर जस्ट टैप करना होता है, रगड़ना नहीं होता है, जस्ट उसको टैप करना होता है, दैट्स इट, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे बस उसको टैप करना है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा उसको रगड़ना नहीं है ताकि वो पोर्स को जाना, और आधे घंटे पहले यूज़ करना है, दैट्स इट। बाद में आप फाउंडेशन लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी फाउंडेशन हो जाएगी। आप मेरा देख सकते हैं मेरा हाथ कितना हाईलाइटर और ग्लोई सा हुआ। इससे पहले मैंने मेकअप रेवोल्यूशन के जो है लिक्विड हाईलाइटर का मैंने रिव्यू देखा किया है, ज़रूर चेक कीजिएगा मेरी वो वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को पे कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।